आप सबको स्वागत करते हैं आज की इसी खास प्रोग्राम में बॉर्न टू बी ए स्टार में। आज हमारे साथ एक कलाकार है जो ना हॉलैंड से है पर नेपाल से है। या onze gast voor vandaag, je zal wel denken van waarom begin ik gelijk met Hindi? Nou, maar onze gast die wij vandaag in ons programma hebben, hij is beter als het, het is beter als we met hem in Hindi praten. Want Nederlands is hij niet zo sterk, maar hij komt niet uit Nederland. Hij is oorspronkelijk uit Nepal. We hebben een Nepalees vandaag in ons programma, die bekend is ook in Suriname. En ik heb het over Subi. Maar hij heet geen Subi. Wie Subi eigenlijk is, hoe hij precies heet, gaat hij zelf vertellen. Subi, welkom programma. Thank you, thank you. En mijn kaha, Subi. Maar Subi, actually met tumhara naam nahi hai. Jee, naam nee, sirf artiestennaam is sirf. Original naam is mera Subhas Upreti. और सुबी किधर से आया? सुबी भी आर्टिस्ट नाम के लिए भाई शॉर्ट फॉर्म में सुभाष को आए खलक सुबी था। हाँ जी। तो बाद में जेड रख दिया सुबी। अच्छा तो ऐसे सुभाष से सुबी हो गया। सुबी हो गया ना। अच्छा मैंने अभी आन को अनदेखे में कहा है कि तुम ना हॉलैंड से हो ना सुरीनाम से जी। तुम नेपाल से हो जी। हाँ तो उसके बारे में जरा बताइए। या नेपाल के बारे में क्या बताओ। तुम्हारा जन्म नेपाल में हुआ? जी हाँ। हाँ परिवार वैसे नेपाल? हाँ फैमिली वहीं पे, मम्मी पापा वहाँ पे, बहन वहाँ पे। हाँ। मेरी दादी वहाँ पे। पूरा फैमिली वहाँ पर है। या। तो हॉलैंड में तुम अकेले ही हो? हॉलैंड में बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं दो। हाँ तो चलिए पहले यूथ के बारे में बात करते। तुम्हारा यूथ किस तरह से था नेपाल में? यूथ हाँ यानी कि जब छोटे थे। बचपन है। देखिए बचपन सभी का अच्छा ही होता है। या अच्छा गुजरा। नॉर्मल फैमिली का था मैं, मिडिल क्लास फैमिली। और हम लोगों का शॉप था मोबाइल विंकल। या और खून अपने घर में काम करते थे और स्कूल जाते थे। जी हाँ। अच्छा पर तो हॉलैंड आना कैसा हुआ? हॉलैंड एक्चुअली मैं पढ़ाई के सिलसिले में आया स्टडी के लिए। मैंने हॉलैंड का एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था बैचलर के लिए, बैचलर पढ़ने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। सो उस कोर्स के लिए वही सिलसिले में हॉलैंड आना हुआ। तो कितने साल से हॉलैंड में? अभी तकरीबन मुझे हो गया 7 साल। 7 साल से। और 7 साल से वैसे स्टडी का कैसे चल रहा है? स्टडी का अच्छा ही चल रहा था, अभी स्टॉप कर दिया क्योंकि फैमिली हो गए, बच्चे हो गए और अपने अपना बिजनेस से भी बिजी हूँ। सो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था तो मजबूरन। तुमने कहा कि बिजनेस करने लगे हो तो इसलिए पढ़ाई को थोड़ा छोड़ दे हो, तो कौन से बिजनेस कर रहे हो? मैं बिजी हूँ अभी मेरा अपना रेस्टोरेंट से। अपना रेस्टोरेंट जी। किस तरह की खाने? नेपालीज और इंडियन? सब मिक्स, इंडियन, सुरीनामी। एंड खुद सुबह ही पका कर वहाँ कर पर रखेगा सभी के लिए? एक्चुअली मैं कुक खुद तो कुक हूँ लेकिन शायद रेस्टोरेंट के लिए कुछ। हाँ, किसी को रखो, किसी और को फोन आ जाए हेल्पर। अच्छा तो बता थोड़ा स्पेशलिटी तुम्हारा क्या है? क्या तुम कहते कि वो अगर मैं बनाऊंगी तो उंगली चाट कर रह जाओगे? स्पेशलिटी क्योंकि जो भी खाना बनाता हूँ उंगली तो चाटते ही रह जाते हैं। अच्छा। सभी में सो या तंदूरी करी। अच्छा अच्छा नहीं तो आई थिंक हॉलैंड आना पड़ेगा तुम्हारे रेस्टोरेंट में। जी जरूर। तो वैसे रेस्टोरेंट तुम्हारा खुल गया? नहीं अभी बिजी हूँ, किचन का काम सब ज़्यादा काम है तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा। और कहाँ पर आएगा यानी कि कहाँ पर? देनहाग सेंटर। अच्छा नहीं तो तुम्हारा जितने भी फैंस हैं आई थिंक कि जब भी वो लोग हॉलैंड आएंगे देनहाग में तो तुम्हारा रेस्टोरेंट जरूर से ढूंढ लेंगे। जरूर जरूर। नाम हो गया? नाम या शिवम। शिवम मेरा बेटे का नाम है उसी के नाम से। अच्छा तो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? दो बच्चे हैं। दो? एक बेटी है जो अभी नेक्स्ट मंथ 2 साल की हो जाएगी। हाँ। और एक बेटा है वो 6 महीने का हो जाएगा। अच्छा और वैसे शादी हुए मैं तो एक सुरीनामी से, मैं तो सुरीनाम से निस्तान।
ज़्यादा फ्रिस्तो वगैरह। हाँ सुरभी, तो चलो थोड़ा तुम्हारे म्यूजिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आया वो फील कि तुम गा सकते हो, या तुम्हें कब पता चला है कि मैं गा सकती हूँ? जब 6-7 साल का था तब मेरे पापा, एक्चुअली वो बहुत हिंदी गाने सुना करते थे और वो टाइम बचपन से तब इंटरेस्ट बढ़ता गया कि हाँ म्यूजिक अच्छा लगता था, पूरा दिन सुन के बैठो। पढ़ाई करना वो तो ज़रूरी है, वो एक अलग जगह पे है, लेकिन यह वहाँ से तब थोड़ा शुरू हुआ, तब गाने गुनगुनाने लग गया। तब एक दोस्त था मेरा जो चर्च में गिटार सिखाता था, टीचर था, म्यूजिक टीचर, सो तब उसने गिटार का लेसन दिया थोड़ा सा। तब अब खुद थोड़ा बहुत बजाने लगते हो, तब थोड़ा सिंगिंग में भी हेल्प हो गया वहाँ से। पर नेपाल में वैसे, या तो फिर इंडिया में कभी तुमने क्लासेस नहीं लिया? नहीं, म्यूजिक क्लासेस कभी नहीं, म्यूजिक क्लासेस सिर्फ वही गिटार के लिए, सिर्फ गिटार का। वो भी दोस्त था तब, बोला चलो सिखा दो, चलो सिखा दो। अच्छा, तो वैसे सिंगिंग करियर तुम्हारा वहीं पर शुरू हुआ, नेपाल में? मेरा एक ग्रुप था नेपाल में भी, छोटा सा नॉर्मल बैंड था। तब या हम लोग जैम करते थे, शोज करते थे कभी कभी। और मेरा मामू का बेटा वो सिंगर था, सो वो भी इंस्पायर करता था कि हाँ गाना चाहिए, आवाज़ अच्छा है, कोशिश करो। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, बस वही है। तो उसके बाद 7 साल पहले हॉलैंड आए जी, फर्स्ट स्टडीज जी। तो हॉलैंड में तुम्हारा कैसे शुरू हुआ? हॉलैंड में एक्चुअली सेलेक्टा के साथ, जो टू फेमस के साथ जो शुरू हुआ। या पर उससे पहले कभी नहीं किसी भी ऐसा म्यूजिक ग्रुप में तुमने गाया, या कोई ऐसा सीन तुम्हारा नहीं? नहीं नहीं, जो पहला हम लोगों ने जो शुरू किया था, एक्चुअली मैं खुद अपने सॉन्ग्स भी लिखता हूँ, तो एक दोस्त के लिए कुछ गाना लिख रहा था, तब उसने पूछा कि मेरे लिए एक गाना लिख दो, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इंडिया का पंजाबी था। सो उसी सिलसिले में गया था मैं, तब सेलेक्टा वो म्यूजिक था, म्यूजिशियन था, वो म्यूजिक बनाता था। तब उसको सुनाई दिया कि मैं यहाँ बैठ के गुनगुना रहा हूँ, उसको जैम कर रहा हूँ, तब अच्छा लगा, तो वहाँ से कांटेक्ट बढ़ा। अच्छा, तो वहीं से तुम्हारा म्यूजिक करियर शुरू हुआ विद टू फेमस जी। तो टू फेमस के साथ तो नाम बहुत हुआ हॉलैंड में भी, यहाँ पर भी, सुरीनाम में भी जी। तो कैसा लगता है उसके बारे में? आपको अच्छा लगता है? जब तुम पहले बार सुरीनाम आए जी, तब कैसा लगा? क्या बताऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि नेपाल से निकले हॉलैंड, हॉलैंड ठहरा ठंडा देश जी, वहाँ पर तो माहौल कुछ अलग है जी। पर क्या सुरीनाम का माहौल नेपाल के साथ मिलता जुलता है? बहुत मिलता जुलता है, यहाँ के वेदर, लोग, खाना का, वैसे हाँ बहना हर चीज़ मिलता है नेपाली, या वहाँ पे भी गर्मी होता है। हाँ अच्छा, तो अब तुम्हारा भी एक एक कॉम्पोजिट सी जो तुमने खुद लिखा भी निकला था एक सीडी पर जी, 2-3 गाने निकला था सीरीज में जो खुद कंपोज किए थे। हाँ या तो तुम खुद लिखते भी हो और कंपोजर भी खुद जी। अच्छा, तो इसी तरह से तुम्हारा शुरू हुआ विद जी, एंड हम यहाँ पर भी आकर पहुँचे। पर सुनाई दिया है, अब उसके बारे में तुम ही खुद जवाब दे देना। मैंने कहीं सुना और पढ़ा भी है कि तुम्हारा एक गाना आने वाले है एक फिल्म में, एक बॉलीवुड मूवी में, उसके बारे में क्या बता सकते हो? हाँ जी, सच सुना, अभी हाल ही में मैंने एक गाना दिया है बॉलीवुड फिल्म के लिए, उसके बारे में ज़्यादा तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि सब ऑफिशियल थिंग्स हैं, ऑफिशियल रीजंस। तब नेक्स्ट मंथ से तब रिक्लाम है, वो सब कुछ शुरू होगा, उसका डिटेल इतना ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ। पर लिखा हुआ तुम्हारा खुद गाना जी, ओ बेखबर गाने का सरा गुनगुना दो। चाहता हूँ तुझको इस कदर
तुझ बिन जी लगे ना वो बेखबर, आजा हम सफर, इतना तो रहम कर मुझ पर मेरी जान। बाकी अब अच्छा, आगे सुनिए। पर कैसा हुआ, क्योंकि सभी को तो पता है कि बॉलीवुड में घुसने का बहुत ही डिफिकल्ट है जी, तो वो तुम्हारा कैसे हुआ कि बस एक गाना एक फिल्म में आ रहा है? या लग बाय चांस कोई इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एक दोस्त था पुराना, वो टीसर इसमें काम करता है वहाँ पे, तब उसके थ्रू से बातें हो रहा था, जैसे फैमिली की तरह जानते हैं दोनों लोग। तब एक दिन फ़ोन आया, बोला कि कुछ है तुम्हारे लिए। मैंने बोला क्या है, तब पहले तो चौंक गया कि जब उसने बताया कि यार कोई फिल्म के लिए गाना दे सकते हो। तब यह सलीका से बात हुआ, तब गाना लिखना शुरू किया। एक दिन बैठे, गाना सेंड कर दिया। अच्छा, तो म्यूजिक सिलेक्टर का है? जी हाँ। अच्छा, नहीं मुझे लगा था कि म्यूजिक भी इंडिया का। नहीं, क्योंकि अभी वहाँ का म्यूजिक लेना है, तब फिर यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर जाना पड़ेगा। हाँ। उधर टाइम स्पेंड करो। तो फिल्म का नाम पता है? या फिल्म का नाम है द लास्ट एपिसोड। द लास्ट एपिसोड जी। अच्छा, तो वो आई थिंक कि आने वाले दिनों में फिल्म रिलीज होगा। या जून जुलाई में। जून जुलाई जी। अच्छा, तो दैट्स वेरी नाइस। और आगे में चलकर जब तू फ्री रहते हो तो क्या करते रहते हो? फ्री रहता हूँ जब बच्चों के साथ खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, थोड़ा फैमिली को टाइम देता हूँ। एंड नया प्रोजेक्ट्स क्या आ रहा है तुम्हारा खुद का? एक नया प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अगले महीने ऐसा कुछ रिलीज होगा, एक सोलो से ही दे। और या तो फेमस के साथ, तो वो तो चलता रहेगा। तो फेमस के साथ किधर किधर शोज कर चुके हो अपार्ट ऑफ सूरीनाम? या नीदरलैंड में तिलक, अब वहाँ पे तो हम लोग शोज करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए, गयाना के लिए, ट्रिनिडाद के लिए। सो धीरे धीरे लगा कि सूरीनाम तो ठीक हो गया, अब चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, एज अ आर्टिस्ट आपको ऐसा आर्टिस्ट नहीं, ऐसा तो है यार, तो आपके फैंस बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ेगा। अच्छा, और सुबह को खाने में क्या पसंद है? खाने में या इंडियन खाना, सूरीनामी खाना जो मेरी बीवी भी बनाती है जो, जी दुक्स मसाला बस। चलो कहते टिपिकल इंडियन खाना जी, इंडियन यानी कि हमारे घर में बना हुआ खाना। हाँ, घर में बना हुआ खाना। एंड जब तुम लिखते हो, क्योंकि कभी कभी लोग लिखा करते हैं, सुनते हो कि आज से लिखा कल एक गाना निकल गया जी। पर न उसके बारे में क्या कह सकते हैं, कैसा न कितने दिन लगता है एक अच्छा गाना लिखने में? वो एक्चुअली डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे ही मिल जाते हैं गाने कि हाँ बैठा अभी गाना लिख दिया, अब गाना बन गया। कभी कभी होता है कि आपको उसका सुर ढूंढना पड़ता है, मेलोडी बनाना पड़ता है। सो यार टाइम लगता है, कभी कभी एक दो महीना भी लग जाता है, कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है। सुबी मिस्किन शायद या शायद नेपाली के बारे में थोड़ा भी हो जाए। नेपाली लोग, आप लोग हिंदी बात नहीं करते? हिंदी बात ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि बॉर्डर ओपन है, आप इंडिया में रहना चाहो इंडिया में रह सकते हो, इंडियन लोग नेपाल में रहना चाहे नेपाल में रह सकते हैं। अच्छा, ओपन बॉर्डर है। या ओपन बॉर्डर है, सो समझते हैं जो जिस तरह से बात करते हैं हिंदी वर्ड्स एंड सब, वो मिलता जुलता है सर। ओरिजिन एक ही है नेपाली, ये नेपाली जो शब्द है जिस लिखते हैं बोलते हैं, तो एक्चुअली वो ओरिजिन एक ही है, तो संस्कृत से ही बना हुआ है। तो अच्छा कुछ नेपाली में हो जाए
गाना हो जाए और बात भी, ताकि लोग को भी, यहाँ का लोग को भी पता चले कि यहाँ पर लोग ज्यादा तौर पर हिंदी समझते हैं, हिंदी बात करते हैं, अपार्ट ऑफ सरनामी, तो थोड़ा नेपाली कुछ नया भी सीख जाएंगे। या एक पुराना गाना था, एक सिंगर संजय श्रेष्ठ, नेपाली सिंगर, उन्होंने जो गाना बनाया था वो बाद में इंडियन बॉलीवुड में, बॉलीवुड मूवीज में रिमिक्स किया, तब जो बॉलीवुड सिंगर है शान, उन्होंने गाया था, गाया था। अच्छा, कौन से गाने? शायद आप लोग भी जानते होंगे वो गाना, मुसु मुसु हासी दे। ओरिजिनल नेपाली का है। अच्छा, बहुत सारे गाने अभी लास्ट फिल्म राजनीति, वो फिल्म में भी एक नेपाली गाना है, सिंगर्स नेपाली सिंगर्स भी हैं। अच्छा। आप लोग विलेन देखते हो डैनी, वो भी नेपाल के हैं। डैनी इस नेपाली, वो तो मनीषा कोइराला को देखते हैं, वो भी नेपाली है। और कौन नेपाली? उदित नारायण, वो भी नेपाली है। तो चलो, सुभी भी नेपाली है। तो सुभी, वो जो गाना के बारे में बात कर रहे थे, मुसु मुसु हासी, द ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन, देखिए वही वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदी और नेपाली वो बायना एक ही जैसा लगता है, तो हम लोग उधर का भी वर्ड यूज करते हैं और हम लोगों का वर्ड वो लोग भी यूज करते हैं। तो सरा गुनगुना दो। मुसु मुसु हासी देव ना लई लई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे ए खुशी। एक्चुअली ये गाना जो रिमिक्स वर्जन था, हाँ, वो एक जो पहला लाइन है वो नेपाली में गाया है, मुसु मुसु हासी देव नलाई लाई नलाई, या हाँ। और बाकी जो, जो दूसरा वर्ड है जरा मुस्कुरा दे, तो हाँ, वो हिंदी ऐसे मिक्स कर रही है। अच्छा, पर ओरिजिनल पूरा नेपाली में कैसा है? ओरिजिनल पूरा नेपाली में अभी इतना याद नहीं है मुझे भी। अच्छा, तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा, अच्छा, आई लव सुरिनाम, हाउ आर यू, थैंक्स टू द फैंस, वो नेपाली में अगर कहना तो वो कैसे रहेगा? धीरे धीरे धन्यवाद हजुर को, कैसे बताओ अभी आपको समझ में नहीं आएगा नहीं, पर सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे कि जब आजकल तुमने डच भी अच्छी तरह से सीख लिया जी, पर इतने ज्यादा नहीं, तो अगर तुम भी डच बात करोगे तो अच्छा लगेगा सुनने में कि कोई नेपाली है जो डच बात कर रहा है जी। तो जरा सिखा दो, शायद मैं भी नेपाली सीख लूं। ओके, एक वर्ड हाउ आर यू, उसको नेपाली में बोलते हैं संचय हुनुहुन्छ। वन्स अगेन, संचय हुनुहुन्छ, वो मेरे बस के बात नहीं, छोड़ो तुम ही खुद नहीं क्लिंग तो मेरी चेहल अंदर कुछ अलग था और जी, लेकिन जो नॉर्मली जैसे वर्ड होता है नमस्कार, राम राम, सलाम, वो सेम ही है, वो सेम ही है जी। नाउ देन हैव वो कम बीच खलेर थू गए हम बीच नेपालीस मुतप्रात वंत सुबी है इस हिम इंडियन वन। काफी लोग सोचते थे कि तुम इंडिया का जी, खुद इंडियन लोग भी सोचते हैं कि मैं इंडिया का हूँ, क्योंकि हिंदी, और वैसे भी तुम नेपाली की तरह दिखते नहीं हो क्योंकि नेपाली लोग थोड़ा जैसे कि दैनी देसोंगपा है, मनीषा कोइराला, एक डिफरेंट सी लुक है जी। वहाँ पे बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे जाति के लोग, थोड़ा जैसे यहाँ पर जापानीज है या फान लोग जी, तो नेपाली और भूटान के लोग थोड़े याफान घट लगते हैं। या क्योंकि हम लोगों का जो इसे पहाड़ी में, जो पहाड़ी इलाका में जो लोग रहते हैं, तो वो लोग यूजुअली कौन देखते हैं, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही चाइनीज है, जैसे चाइनीज जापानीज। अब इंडिया के बॉर्डर के साइड में जाओगे आप तो नेपाली लोग लगते हैं कि हाँ ये इंडियन है, जैसे कि आप लगते हो। अब तक तुम्हारा 7 साल का हॉलैंड में कैसे गुजरा? With study, with career, शादी हुआ, बच्चा हुआ, बच्चे हुए और तुम्हारा सीरीज के साथ जी, अभी तक तो बहुत अच्छा गुजरा है। पहले शुरू शुरू में आए थे तब स्टडी किया, काम किया, एक दो साल डेनमार्क में भी जाके रहा, तब उसके बाद म्यूजिक करियर शुरू हुआ, शादी हो गया, बच्चे हो गए, स्टडी अनहोल्ड हो गया या पर स्टडी का प्लान्स क्या है? सोच रहा हूँ अभी ये
तो रेस्टोरेंट से जब टाइम मिल जाए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाए, तो वरना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो तब शुरू करूंगा फिर से। कोई बात नहीं, बुढ़ा नहीं हो जाऊंगा। नहीं, बट तुम्हारा उम्र क्या है बाय द वे? मेरा उम्र है 26 साल। 26 जी। उसका शादी हो चुका है। अच्छा लगा कि कोई भी आया ना हॉलैंड से पर नेपाल से जी हाँ हमारे प्रोग्राम में भी। कुछ अगर तुम्हें कहना हो अपने फैंस के साथ और उन लोगों के साथ जो अपने म्यूजिक करियर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे? अपने फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया, आप लोगों ने अभी तक मेरा हर कोई गाना सराहा है, हर कोई सोच, कोई भी ऐसा सोच नहीं गया कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी को गाना जितने अवकात में मैं गाता हूँ सभी को पसंद आ रहा है अभी तक। और नए सिंगर्स को क्या कहूँ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, खुद पे बिलीव करो, दिल से गाओ, बस बस खुद मंजिल आ जाएगा। नाउ थैंक यू सुबी, एंड आखिरी में जरूर से सक्सेस तुम्हारा रेस्टोरेंट के लिए। आई थिंक कि जब भी हम में से कोई आएंगे तो तुम्हारा रेस्टोरेंट जरूर से ढूंढेंगे जी, जरूर, ताकि हम भी जाकर थोड़ा देखें कि सुबी खाना पकाता कैसे। नाउ थैंक यू सुबी, दैट वाज दान सुभाष उप्रेती बेहतर बेकेंद आउस सुबी दी सन करियर एंड नेटवर्क से नाम एंड फार्म अलमल हेफ्ट गमाक मेट टू फेमस या हम कमरे का इस नेपालीस। Hij is geen Indiër en ook geen Nederlander, als of een Surinaamse, Hindustan als ons. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. Hopelijk hebben jullie dan, zijn jullie dan meer te weten gekomen over Subi. En het was natuurlijk heel leuk hem ook in onze uitzending te hebben. We willen natuurlijk ook Sadhana bedanken van Stardust voor de gelegenheid die we hebben gehad om ook bij hun in de tuin vandaag deze opname te maken. Ferry Betola, dat wil zeggen tot ziens in het Nepalees. Bedankt voor het willen kijken naar Born to be a Star. En ik zou zeggen, tot een volgende uitzending.